कैसे यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ मिसाइल हमले का खतरा बढ़ गया है। वहीं ज़ापोरिज्या के आमने सामने की जंग में कैसे यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया है जबरदस्त नुकसान, और खेरसोन में कैसे रूस ने किया विध्वंसक हमला। रूस यूक्रेन से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रूस यूक्रेन टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्लैग पेंजर गेपर्ड एयर डिफेंस का जबरदस्त एक्शन दिखाई दिया है। रात के अंधेरे में रूसी शहीद ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन को जर्मनी से फ्लैग पेंजर गेपर्ड मिला है। यूक्रेनी शहरों की सुरक्षा में जर्मन गेपर्ड को तैनात किया गया है। ज़ापोरिज़्या में आमने सामने की जंग की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रूसी ट्रेंच में घुसकर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया है। ज़ापोरिज़्या में रूसी डिफेंस लाइन हमले के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यूक्रेनी हमले में रूसी सैनिकों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त फायरिंग भी की गई है। आर्म्ड व्हीकल के साथ रूसी पोजीशन पर हमला किया गया। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सैनिकों पर फायरिंग की। जबरदस्त जंग के बीच ज़ापोरिज़्या में कई इलाकों को यूक्रेन ने आजाद करा लिया है। उल्गेदार में यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना ने बड़ा मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ जहां इस इलाके में ड्रोन ने तबाही मचाई है, वहीं दूसरी तरफ रूसी टैंक और तोप से यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही रूसी नौसेना भी इस इलाके में लगातार हमले कर रही है। कुप्यांस्क में यूक्रेन लगातार रूस को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से एमएलआरएस से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एमएलआरएस से रूसी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई है। यूक्रेनी सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन के सेवरस्की में आरपार की जंग जारी है। रूस ने यहाँ विध्वंसक हमले को अंजाम दिया है। रूसी तोप से एक के बाद एक हमले किए गए। रूस के इस हमले में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन के निकोपोल में रूस की तरफ से विध्वंसक अटैक किया गया। हैवी आर्टिलरी के साथ इस विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमले में कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही गैस और बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त होने का दावा किया गया है। रूस की तरफ से खेरसोन में एक बार फिर से जंग काफी तेज हो गई है। खेरसोन के बेरिस्लाव इलाके में रूस ने गाइडेड बम से विध्वंसक अटैक किया। रूसी हमले में रिहायशी इलाके को जमकर निशाना बनाया गया। हमले में अस्पताल की इमारत भी धराशायी हो गई। यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइल हमले का डर है। कभी भी रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। माइकोलेव निकोपोल पर मिसाइल हमले की आशंका जताई गई। सभी लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई है। साथ ही कीव, सुमी, चेर्निहिव पर एयर स्ट्राइक का भी अलर्ट जारी किया गया है।